हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बूंदी रायता। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। जीरे को मैंने तवे पे भून के उसे पीस लिया है। यहाँ मैं थोड़ा सा डालूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूँगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मैं सारे मसालों को दही के साथ मिला दूँगी। इसको अच्छे तरीके से फेंटें। 2 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से ऐसे फेंटते रहें। अभी अच्छी तरीके से हमारा फिट चुका है ये। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतला रायता पसंद हो तो ज़्यादा पानी डाल लें। अगर ज़्यादा पतला रायता पसंद ना हो तो थोड़ा कम ही पानी डालें। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी इसे। इसमें मैं डालूँगी बूंदी। ये मैंने 10 वाला पैकेट लिया है बूंदी का। बूंदी डालेंगे इसमें। ना तो आप ज़्यादा डालें और ना ही कम डालें। अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो सिर्फ बूंदी बूंदी रह जाती है। कम डालते हैं तो दही दही सा हो जाता है। अब इसको बूंदी को अच्छे तरीके से मिला के हम इसमें मैं थोड़ी सी और लूँगी बूंदी। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसमें दही में और इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये बूंदी फूल जाए। नहीं तो कुरकुरी सी ऐसी रह जाती है, करकरारी करारी सी। अब इसमें 10 मिनट के लिए रख दूँगी। अब ये रायता खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं।